विश्व के ज्यादातर देश पृथ्वी के पर्यावरण को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जबकि चाइना ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। चाइना एक फॉरेस्ट सिटी का निर्माण कर रही है जिसका डिजाइन स्टेफनो बोरी ने दिया है। इस सिटी में लगभग 30,000 लोग रहेंगे। ये शहर पूरी तरह पेड़ पौधों से ढका हुआ होगा, यहाँ तक कि शहर की सारी इमारतें भी पेड़ पौधों से ढकी हुई हैं। ये शहर एक साल में लगभग 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड और 57 टन पोल्यूटेंट्स को अवशोषित करेगा। ये लगभग 900 टन ऑक्सीजन का भी उत्पादन करेगा। इस शहर का निर्माण 2020 तक पूरा हो जाएगा। आशा है कि चाइना के इस प्रोजेक्ट को देखकर और देश भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करेंगे।